जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग अपने यूथ पब्लिकेशन साइंस बुक का श्रीगणेश कर रहे होंगे। मेरे मित्र, जैसा कि मैंने आप सबों से कल के सेशन में पूछा था कि आप लोग इस बुक में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से पहले क्या पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे मित्रों ने फिजिक्स, बहुत सारे मित्रों ने केमिस्ट्री और बहुत सारे मित्रों ने बायोलॉजी जवाब दिया। और अगर आप कमेंट के परसेंटेज को देखेंगे तो फिजिक्स जो है ऑलमोस्टली टॉप पे है। और कहीं ना कहीं ये एक अवधारणा भी है, हम लोगों के मन में भी लगता है कि गुरुजी अगर कोई चीज शुरू कर रहे हैं तो क्यों ना उसको जीरो से स्टार्ट किया जाए। और साइंस पढ़ने वाले अधिकांश छात्रों के मन में यही होता है कि पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो पढ़ना हम लोगों को तीनों है, परेशान मत होइएगा। हम लोग किससे शुरुआत करेंगे? सर, यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कि मात्रक और मापन से हम लोग अपने चैप्टर को शुरुआत करेंगे। साथ ही मेरे मित्र, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे उसका बोर्ड सॉल्यूशन जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का क्या नाम है? द लॉजिकल साइंस। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जितने भी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा वे सभी आपके मतलब लास्ट टाइम में, यानी कि जो कहते हो सर एग्जाम से कुछ दिन बचा हुआ है समय, उस समय में ये आपके रिवीजन के लिए रामबाण साबित होगा। तो जो भी पीडीएफ मिलेगा उसको आप कोशिश कीजिएगा संभाल के रखने की, बाद बाकी आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट की जिम्मेवारी हमारी है, बाद बाकी कंटिन्यूटी बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। और एक चीज ध्यान में रखेंगे, अगर किसी भी चीज के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत रहते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सबों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि अगर कोई भी छात्र हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़ करके साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, लाइव बैच में या फिर रिकॉर्डेड बैच में, या फिर आप सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रहे हैं, दोनों पढ़ना चाह रहे हैं, आप रेलवे जनरल साइंस का लाइव बैच करना चाह रहे हैं, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा रेलवे एग्जाम 2024 लाइव साइंस बैच में, एलपीएन टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है आपका स्पेशल बैच में। ध्यान में रखिएगा कि अभी इस तीनों ही बैच पे सर कल से ही यानी कि 14, 15 और 16 फरवरी तक आपका क्या चल रहा है? ऑफर चल रहा है। तो इस लाइव बैच को आप 349 में ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉम्बो बैच जिसमें साइंस और बेसिक साइंस एंड ईडी दोनों होगा इसको आप 399 में, और जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का स्पेशल बैच है उसको आप 299 में ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये वाली बैच जो है आपकी वो क्या होगी? लाइव होगी, बाकी के दोनों रिकॉर्डेड होगी। कहां मिलेगा ये कोर्स? आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर कोर्स से संबंधित अन्य आपको जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र यहां पे आपका नंबर दिया गया है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा ये यहां पे क्या है? 77 है, ठीक है। अब मेरे मित्र आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? पहला ऑप्शन है जूल पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है किलोवाट घंटा, तीसरा ऑप्शन है अश्व शक्ति, चौथा ऑप्शन है वाट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर? मेरे मित्र एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहां पे जो हम चीजों को शुरुआत कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं? जीरो से कर रहे हैं। और हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग अभी कहां पे हैं। भले ही आप कुछ नहीं जानते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद है, और अगर आप बहुत कुछ भी जानते हैं तो भी ये आपके लिए फायदेमंद है। अब सवाल यहां पे ये है कि सर इस तरह के सवाल मिलते हैं और हम लोग को तो रटना पड़ता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब भी ये आपका टॉपिक आपके सामने आएगा यूनिट एंड मेजरमेंट, तो जाहिर सी बात है कि पूरे फिजिक्स में जितने भी भौतिक राशि है उसके यूनिट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेलवे बोर्ड को यह अधिकार है कि पूरे फिजिक्स में जितने भी आपका क्या है सर भौतिक राशि है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे। तो सवाल यह है कि सर इतने सारे भौतिक राशि को हम लोग कैसे याद रखेंगे? मेरे मित्र आप सभी ये चीज ध्यान में रखिएगा कि यूनिट को समझना और सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आपको किसी भी भौतिक राशि का क्या मालूम है सर? फॉर्मूला मालूम है। और यहां पर सवाल किसकी की जा रही है? सवाल की जा रही है कि शक्ति की इकाई नहीं है। तो मेरे मित्र आप पहले ये बताओ हमें कि पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पावर इक्वल टू वर्क बटा टाइम होता है, यानी कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है? आप सभी कहेंगे गुरुजी शक्ति कहलाती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो वर्क है, यहां पे जो वर्क है इसके लिए यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? आप कहेंगे सर जूल लिखते हैं, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। और मेरे मित्र जो टाइम है इसके लिए यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? सर सेकेंड।
तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना, जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर शक्ति का मात्रक हो जाएगा। मेरे मित्र, चूंकि पावर के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो किस वैज्ञानिक का नाम याद आता है? आप सभी कहते हैं कि गुरु जी वाट का नाम याद आता है। तो चला जी, जूल पर सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी ध्यान में रखिएगा, वाट कहते हैं। और कई बार आपसे सवाल यह भी पूछा जाता है कि एक वाट इक्वल टू क्या होता है, आप सभी कहेंगे वन जूल पर सेकेंड होता है, वन जूल पर सेकेंड होता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एक वाट की बात कर रहे हैं तो एक जूल पर सेकेंड कह दे रहे हैं और जूल पर सेकेंड को वाट कह रहे हैं। अब ये जो वाट है, ये जो वाट है वो क्या है, आप सभी कहेंगे कि गुरु जी पावर का एसआई यूनिट है। अगर हम लोग बात करेंगे पावर के एसआई यूनिट की तो क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे गुरु जी वाट। मेरे मित्र याद रखिएगा कि वाट पावर का एसआई यूनिट होने के साथ साथ क्या है, तो सर शक्ति का छोटा मात्रक भी है। और अगर हम लोग शक्ति के अन्य मात्रक की बात करते हैं, चला जी अगर हम लोग किसकी बात करते हैं शक्ति के अन्य मात्रक की, तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा, शक्ति के अन्य मात्रक की बात करते हैं तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा क्या है सर, तो सर किलोवाट, क्या है सर किलोवाट, और क्या है मेगावाट, और क्या है सर एचपी यानी कि हॉर्स पावर। एचपी को हम लोग क्या कहते हैं सर, अश्व शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं चला, अश्व शक्ति कहते हैं। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वन किलोवाट जो है, वन किलोवाट कितना के बराबर होता है सर, आप याद रखिएगा 1000 मेगावाट के बराबर, सॉरी 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। और मेरे मित्र 1 किलोवाट इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 10^3 वाट भी लिख सकते हो। तो जहां पे भी सर वाट किलोवाट मेगावाट एचपी की बात की जाएगी, हम कहेंगे सर ये शक्ति के मात्रक होंगे। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि 1 HP इक्वल टू क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर 746 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 746 वाट। और साथ ही मेरे मित्र अगर आपसे कभी ये सवाल पूछ लिया जाए, अगर आपसे कभी ये सवाल पूछ लिया जाए कि औद्योगिक शक्ति की औद्योगिक यूनिट क्या है, यानी कि व्हाट इज द इंडस्ट्रियल, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर, तो आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी एचपी, क्या कहेंगे एचपी यानी कि हॉर्स पावर। और मेरे मित्र इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंपीरियल यूनिट ऑफ पावर भी कहते हैं। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं इसको, इंपीरियल यूनिट ऑफ पावर भी कहते हैं। ठीक है, अब आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि शक्ति की इकाई नहीं है। मेरे मित्र क्या कहोगे आप कि गुरुजी जूल पर सेकंड शक्ति की इकाई होगी, साथ ही अश्व शक्ति की बात करेंगे आप कहेंगे सर ये भी शक्ति की इकाई होगी, और अगर हम यहां पे वाट की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे गुरुजी ये भी शक्ति की इकाई है, जबकि किलोवाट घंटा आप कहेंगे सर ऐसा तो आपने कुछ भी नहीं बताया, तो किलोवाट घंटा क्या है सर, शक्ति की इकाई नहीं है। अब मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी फिर ये किसका इकाई है, तो ध्यान में रखिएगा अगर हम लोग बात करेंगे ऊर्जा के यूनिट की, किसकी बात करेंगे चला जी, ऊर्जा के यूनिट की, तो आप सभी क्या कहेंगे किलोवाट घंटा। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं चला जी, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग KWH लिखते हैं। क्या लिखते हैं, KWH लिखते हैं। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग ऊर्जा के अन्य यूनिट की बात करेंगे, अगर हम लोग ऊर्जा के अन्य यूनिट की बात करेंगे तो मेरे मित्र हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जूल भी लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे जूल भी लिखेंगे, साथ ही साथ वाट सेकेंड भी लिखेंगे, और साथ ही याद रखिएगा कि किलो वाट आवर भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, वाट सेकेंड किलो वाट आवर, ये सब क्या होंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कार्य या ऊर्जा दोनों के मात्रक होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है, ऑप्शन है किलोवाट कैलोरी वाट सेकंड जूल, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपसे सवाल करा जा रहा है कि कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे अगर हम किलोवाट की बात करेंगे तो हम कहेंगे सर अभी जस्ट आपने बताया है कि किलोवाट जो है वो शक्ति का यूनिट है, अब अगर हम कैलोरी की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर उसमें ऊर्जा तो इसमें मापी जाती है, और मेरे मित्र अगर हम वाट सेकंड की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है, अभी जस्ट आपने बताया है कि अगर कहीं पे भी वाट सेकंड की बात की जाए या फिर वाट आवर की बात की जाए या फिर किलो वाट आवर की बात की जाए, ये सब के सब क्या होंगे, आप कहेंगे कि सर ये ऊर्जा के मात्रक होंगे। तो चूंकि ये उष्मीय ऊर्जा है तो उष्मीय ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि सर ये जो वाट सेकंड है ये भी क्या होगा सर उष्मीय ऊर्जा की इकाई होगी।
जबकि आपसे पूछा जा रहा है कि इकाई नहीं है, जबकि यहां पे आपका जूल दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर कार्य या ऊर्जा की हम लोग बात करेंगे, कार्य या ऊर्जा की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, इसका ऐसा यूनिट जूल होता है। तो कैलोरी वाट सेकेंड जूल ये क्या है, आप कहेंगे सर उसमें ऊर्जा की इकाई अगर हम लोग बात करेंगे उसमें ऊर्जा की यूनिट की, तो ये है नहीं है। कौन सर किलोवाट घंटा किसका है यूनिट, आप कहेगा सर शक्ति का, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी यहां पे कुछ पॉइंट ध्यान में रखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। चला जी बात की जा रही है किसकी, बात की जा रही है कार्य एवं ऊर्जा की, किसकी बात की जा रही है कार्य एवं ऊर्जा की। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कार्य और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है सर समान होता है। अब जब समान होता है तो ये एसआई यूनिट में भी समान होगा और सीजीएस यूनिट में भी समान होगा। चला जी याद रखिएगा कि अगर हम लोग कार्य और ऊर्जा के एसआई यूनिट की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी एसआई यूनिट जो है वो जूल होता है। आप हमें ये बता दो, आप हमें ये बता दो कि एक जूल इक्वल टू आप कितना लिखोगे, आप कहोगे गुरुजी एक न्यूटन मीटर लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे एक न्यूटन मीटर का है, तो आप कहिएगा गुरुजी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, कार्य इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा बल गुना विस्थापन, तो एक न्यूटन मीटर लिख दिए चला तो कोनो गलत बात लिख दी है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लिखे। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो हमारा एसआई यूनिट जूल है, तो अगर हमसे ये सवाल पूछ दे ऐसे कि निम्न में से ऊर्जा का यूनिट कौन सा है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, निम्न में से कार्य या ऊर्जा का सीजीएस यूनिट कौन सा है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर हम लोग इसके सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, आप सभी याद रखिएगा सीजीएस यूनिट अर्घ होगा। क्या होगा चिला, अर्घ होगा। तो अगर आपसे सवाल करा जाए कि कार्य और ऊर्जा का सीजीएस यूनिट क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे, अर्घ। क्या कहेंगे, अर्घ। और याद रखिएगा क्या कि वन जूल इक्वल टू कितना अर्घ होता है, 10^7 अर्घ होता है। वन जूल इक्वल टू 10^7 अर्घ होता है। अब बहुत सारे मित्र कंफ्यूज करते रहते कि गुरु जी जब वन जूल इक्वल टू अर्घ पूछा जाता है तो हम लोग भूल जाते हैं, काहे चेला, बस दिक्कत किसका है, कंसेप्ट का। कंसेप्ट क्या है कि सर अगर हमको यह मालूम हो कि कार्य और ऊर्जा का सीजीएस यूनिट निकालते कैसे है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। भाई मेरे इसमें मालूम क्या करना, आपको सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स मालूम है कि सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट के सीजीएस सिस्टम में, तो इसमें लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, मास को ग्राम में मापते हैं, और जो टाइम है हमारा वो किसमें मेजर किया जाता है सर, सेकेंड में। अब याद रखिएगा कि चूंकि हम लोग एसआई यूनिट में कह रहे हैं एक जूल इक्वल टू वन न्यूटन मीटर, तो मेरे मित्र आप सभी जरा सा हमें ये बताओ, आप सभी जरा सा हमें ये बताओ कि अगर हम यहां पे एक जूल लिखना चाहें और ये जो आपका न्यूटन है, ये जो आपका न्यूटन है ये डाइन में कितना होगा। मेरे मित्र आप सभी याद रखिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे बल के सीजीएस यूनिट की, किसकी बात करेंगे, बल के सीजीएस यूनिट की, तो बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी डाइन होता है। और एक न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है चला, 10^5 डाइन। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी यहां पे एक न्यूटन है, तो एक न्यूटन की जगह हम 10^5 डाइन कहेंगे, क्या कहेंगे, 10^5 डाइन। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि यहां पे मीटर है, तो एक मीटर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे सर गुना 10^2 हो जाएगा, और ये हमारा 10^7 हो जाएगा। और ये जो हमारा डाइन सेंटीमीटर है, यही क्या है, आप सभी कहिएगा गुरुजी अर्घ है। क्या है, अर्घ है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि कार्य और ऊर्जा के जब सीजीएस यूनिट की बात की जाएगी तो आपको कोई लोचा नहीं होगा, लेकिन अगर हम ऊष्मीय ऊर्जा के, ऊष्मीय ऊर्जा की बात करेंगे और इसके सीजीएस यूनिट की बात करेंगे, तो यहां पे चीजें बदल जाती है। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊष्मीय ऊर्जा का जो हमारा सीजीएस यूनिट होता है या सीजीएस मापांक होता है वो क्या होता है, आप सभी ध्यान में रखिएगा, कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं सर, CAL लिखते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कैलोरी छोटा मात्रक है, अगर हम लोग बड़ा मात्रक यूज करेंगे तो 1 kcal जो कि कितना के बराबर होगा, 1000 कैलोरी के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, 1000 कैलोरी के बराबर होगा। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। बहरहाल अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई, एसआई
डैश इकाई है, मतलब क्या कि प्रेरित विभवांतर का जो यूनिट है वो क्या है। ध्यान में रखिएगा कि यहां पे अगर हम प्रेरित विभवांतर में से प्रेरित को हटाते तो सीधे सीधे बात किसकी की जा रही है, सर विभवांतर की जा रही है। किसकी की जा रही है, विभवांतर की जा रही है। चला जी याद रखिएगा कि विभवांतर को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे कि गुरु जी इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मेरे मित्र इसका यूनिट याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या याद रखना जरूरी है, कंसेप्ट ध्यान देंगे कि जब हम विभवांतर को समझेंगे तो विभव जोड़ अंतर ये कहेंगे। तो सिंपल ये कह सकते हैं कि गुरुजी दो विभवों का अंतर, दो विभवों का अंतर विभवांतर कहलाएगा, बिल्कुल कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। सवाल ये है कि सर ये विभव क्या है, ये विभव क्या है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए कि ये आपका एक कोई मतलब जगह है जहां पे आपने क्या रखा है, Q प्लस चार्ज रखा है, और यहां एक हम सर मतलब दूरी मान लेते हैं जो कि क्या है सर, अनंत दूरी पे, हालांकि ये अनंत दूरी नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पे ये कह लें कि सर ये जो है ये Q प्लस चार्ज अब यहां रखा हुआ है, ये अपने चारों ओर क्या करेगा, एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा। अब इस पे इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप कोई भी चार्ज लेकर के जाएंगे तो अगर आप अपोजिट चार्ज लेकर के जा रहे हैं तो ये अट्रैक्ट करेगा, और अगर आप मतलब सेम चार्ज लेकर जा रहे हैं तो ये रिपेल करेगा, मतलब सर अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगेगा। चला सी मान लीजिए कि यहां पे Q प्लस आपका चार्ज है और आप इसको अनंत से, किस बिंदु से, अनंत से, अनंत से क्या कर रहे हो सर, इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाना चाह रहे हो, अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाना चाह रहे हो। तो आप कहेंगे गुरु जी जैसे ही यहां पहुंचेंगे, जैसे ही यहां पहुंचेंगे ये क्या कहेगा, कबूतर जा जा जा, मतलब क्या हुआ चिल्ला, ये तो सर रिपेल करेगा इसको, ये इसको भगाना चाहेगा। आपको क्या है मन में कि नहीं हमारा तकड़ा यहां से यहां लाना ही है, तो क्या करोगे कि सर ये जितना जोर से डपाटेगा, जितना जोर से हमको भगाएगा उतना हम क्या करेंगे, बल लगा के इसके इसके विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहीं पे खेला हो जाएगा, क्या कि जैसे ही ये चार्ज को आप लेकर के इसके विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे आपको इसके विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और मेरे मित्र प्रति एकांक आवेश को, यानी कि आप जब किसी यूनिट चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में आपके द्वारा जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। और यही चार्ज को मान लीजिए कि ये हमारा कोई Q प्लस चार्ज है यहां पे और ये पूरा विद्युत क्षेत्र बना लिया, किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ला रहे हैं तब वहां पे क्या होगा, तो आप कहेंगे सर विभवांतर होगा। क्या होगा, विभवांतर होगा। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा मेरे मित्र। क्या कहेंगे हम सभी कहेंगे कि गुरु जी अगर किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हैं तो वो हमारा विभवांतर होगा, और हम यहाँ पे दो विभवों का अंतर कह सकते हैं। लेकिन अगर अनंत से किसी प्रत्येकांक आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ला रहे हैं तो वहां पे हमारे द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा और वो क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि जो विभव या विभवांतर है, जो विभव या फिर आपका विभवांतर है इसका एसआई यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना, विभव व विभवांतर का ऐसा यूनिट जो है वो क्या होगा, आप कहेंगे चला कि सर ये वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि आपने जस्ट अभी देखा है कि विभवांतर या विभव की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हो या अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हो, दोनों जगह पे क्या करना होगा, सर कार्य करना होगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं सर, वी इक्वल टू फॉर्मूला डब्ल्यू बटा क्यू, इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है सर, डब्ल्यू बटा क्यू, यानी कि विभव या फिर विभवांतर की बात करेंगे तो डब्ल्यू बटा क्यू कहेंगे। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि यहां पे डब्ल्यू यानी कि ये हमारा क्या है, आप सभी कहेंगे सर वर्क है, वर्क है, और ये क्या है सर, क्यू यानी कि आवेश है, ये क्या है हमारा, आवेश। तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि अभी जस्ट आपने देखा है कि वर्क का यूनिट सर जी जूल होता है और आवेश का यूनिट क्या होगा, आप सभी याद रखिएगा कूलम, और जूल पर कूलम को क्या कहेंगे, आप सभी कहिएगा गुरुजी वोल्ट कहेंगे। एक वोल्ट पूछ लेगा चला क्या कहोगे, सर जी एक जूल पर कूलम कहेंगे। क्या पूछा जा रहा है, प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट सर वोल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। मेरे मित्र याद रखिएगा
कि जैसे ही अगर हम लोग विभव की बात करें तो सिंपल भी से रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन विभवांतर की बात करेंगे तो रिप्रेजेंट भी माइनस भी 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 करते हैं ऐसे। तो ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा, जब भी ए माइनस भी भी लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि दो विभवों के बीच का अंतर है। अब आप कहेंगे कि गुरु जी ये ए किसका सिंबल है, तो मेरे मित्र याद रखिएगा इसको हम लोग एम्पियर एम्पियर पढ़ेंगे, और अगर हम विद्युत धारा की बात करेंगे तो विद्युत धारा का यूनिट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एम्पियर। नाउ द पॉइंट इज दैट सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्यू और टी का अनुपात है। क्यू क्या है चला, आवेश, टी समय, आवेश और समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं सर जी, विद्युत धारा कहते हैं। याद रखिएगा कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो जो आवेश का ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है सर जी, कूलम्ब होता है, तो कूलम्ब को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम का यूनिट सर सेकेंड होता है। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, कूलम्ब पर सेकेंड को ही क्या कहते हैं हम लोग, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरु जी एम ए एक रचेला हम लोग मिली एम्पियर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं याद रखिएगा इसको हम लोग मिली एम्पियर पढ़ते हैं, मिली एम्पियर। कहोगे कि सर एक मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होगा, बहुत बच्चा भूल जाता है इस चीज को। एकरा कहीं पे स्टार मार्क दे करके लिख लो एगो सिंपल बात, क्या कि सिंपल बात यह लिखना है कि एक एम्पियर इक्वल टू कितना होगा, आप सभी याद रखना 1000 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर आप कहेंगे 1/1000, तो हम लोग कहेंगे कि सर जो 1 मिली एम्पियर है वो हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी कहिएगा कि गुरु जी 10 to the power -3 एम्पियर। कितना, 10 to the power -3 एम्पियर। मन में आ रहा होगा कि गुरु जी यहां पर मिली वोल्ट पढ़ लें इसको क्या, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि मिली एम्पियर विद्युत धारा का क्या है सर, छोटा यूनिट। उसी तरीके से मिली वोल्ट भी क्या है सर, तो वोल्ट का सर छोटा यूनिट है, यानी कि विभवांतर या विभव का छोटा यूनिट है। और चला जी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक वोल्ट कितना के बराबर होता है, तो आप सभी कहिएगा 1000 मिली वोल्ट के बराबर होता है। तो 1 मिली वोल्ट कितना के बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे गुरु जी 1/1000 होगा। और ऐसे भी हम लोग उसको 10 to the power -3 वोल्ट के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चला अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई डैश है। याद रखिए यहां पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्या पूछा जा रहा है, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका रेसिस्टेंस, एक क्या होता है चला, रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, आप कहेंगे गुरु जी प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। डिनोट किससे किया जाता है, आप कहोगे गुरु जी आर से किया जाता है। किसे किया जाता है, आर से किया जाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये प्रतिरोध है क्या, तो आप ये कहेंगे हमेशा कि जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो चालक तार का एगो नेचर होता है, वो क्या करेगा, तो अगर विद्युत धारा आगे बढ़ना चाह रहा है तो कहेगा न तू न जाओ हमारा छोड़ के, मतलब एकर गति में ही बाधा बनेगा। मतलब सर क्या हुआ इसका, कि सर इससे प्रवाहित धारा का चालक का वह गुण जो विरोध करता है वही प्रतिरोध कहलाता है। और भाई मेरे आपने तो कई बार पढ़ा है कि गुरुजी R इक्वल टू V बटा I लिखते हैं हम लोग, R इक्वल टू क्या लिखते हैं, V बटा I। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि ये जो आपका वोल्ट V है ये क्या है, तो आप कहते हो सर ये हमारा वोल्ट है, तो इसको हम लोग वोल्ट अगर लिख दें और आई की जगह हम एम्पियर लिख दें, तो आपको ये याद रखना होगा कि वोल्ट पर एम्पियर क्या है सर, प्रतिरोध का एसआई यूनिट है। क्या है, प्रतिरोध का एसआई यूनिट है, वोल्ट पर एम्पियर प्रतिरोध का एसआई यूनिट है। आप कहेंगे गुरुजी ओम पढ़ते हैं हम लोग इसको, आप गलत बता रहे हैं। चला जी ध्यान में रखिएगा कि ओम नामक वैज्ञानिक ने क्या करा था, ओम्स लॉ दिया था, और मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी समानुपाती आई, तो भी इक्वल टू हम लोग इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के आर लिखते हैं, और आर इक्वल टू भी बटा आई होता है। तो चला जी जो प्रतिरोध है ये ओम के नियम का नियतांक है, क्योंकि इस प्रतिरोध की जानकारी हमें ओम्स लॉ से मिली, इसीलिए प्रतिरोध का जो हम लोग एसआई यूनिट लिखते हैं वो ओम नामक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक के सम्मान में क्या पढ़ते हैं इसको, सर ओम पढ़ते हैं। और चला जी इसको सिंबल के रूप में इस तरीके से लिखते हैं, और 1 ओम इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो ये चीजें प्रतिरोध के लिए याद रखिएगा।
दूसरा बात आती है सर रेसिस्टिविटी की, किसकी बात आती है? रेसिस्टिविटी की। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको प्रतिरोधकता कहते हैं। मैंने क्या बताया कि बोथ आर द डिफरेंट थिंग, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। कैसे हैं सर? तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि किसी चालक से होकर प्रवाहित धारा का उस चालक के द्वारा जितना तेजी से विरोध किया जा रहा है वो उसकी क्या कहलाती है सर? प्रतिरोधकता कहलाती है। जैसे मेरे मित्र मान लो कि ये आपका कोई चालक तार है, अब इससे आई धारा फ्लो हो रही है, तो अब इस चालक तार का गुण जो है वो इस धारा को क्या कह रहा है कि थोड़ा ठहर जाओ। लेकिन मेरे मित्र ये जो धारा आपका यहां पे रुका है, ऐसा भी हो सकता है कि इस चालक तार के द्वारा बहुत तेजी से इसको क्या किया गया होगा सर? रोका गया होगा। तो सर हम लोग रेसिस्टिविटी के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो सिंपली कहते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जो अपने से प्रवाहित धारा का कितना तेजी से विरोध कर रहा हो वो क्या कहलाता है सर? प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी कहलाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। और इसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप सभी ध्यान में रखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय रो। इसको क्या पढ़ते हैं चला? रो पढ़ते हैं। नो द पॉइंट इज दैट सर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रो या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, क्योंकि हम सभी कहते हैं कि गुरुजी जो प्रतिरोध है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? तो आप कहते हो सर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। तो मेरे मित्र हम लोग यहां पर सिंपली क्या कहते हैं कि सर ये आर जो है जब हम लोग इसके लिए लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के रूप में इसको लिखते हैं तो आर इज क्या कहते हैं सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब भाई मेरे अगर हम इसी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो क्या कहते हैं? हम कहते हैं सर प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो बदले में कुछ आएगा। बदले में क्या आएगा सर? बदले में यही रो आएगा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध आएगा, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहते हैं। नौ If we can say that sir R equal to rho L बटा A, then हम ये भी तो कह सकते हैं कि rho L equal to R A हो जाएगा। और चला जी rho equal to क्या हो जाएगा? R A बटा L। अब हमें आप ये बताओ कि प्रतिरोध का यूनिट आप कहेंगे ओम, ये जो A है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है तो आप कहेंगे गुरुजी ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और L आप कहेंगे सर मीटर, ये इसको खलास कर देगा। क्या कहोगे कि गुरुजी इसको हम लोग पढ़ेंगे ओम मीटर। क्या पढ़ेंगे? ओम मीटर। और जो सवाल करा जा रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट, आप कहिएगा ओम मीटर। नाउ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ओम किसका यूनिट होगा? आप कहेंगे गुरुजी ये तो प्रतिरोध का यूनिट हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रतिरोध का। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये महो क्या है? क्या महो भी किसी चीज की यूनिट होती है? बिल्कुल होती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग चालकता की बात करते हैं, कंडक्टेंस की बात करते हैं, तो चालकता को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो जी होता है ये क्या होता है सर? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी कि जो आपका किसी भी चालक तार का प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम उस तार की क्या कहलाएगी? चालकता। और अगर हम प्रतिरोध के यूनिट को क्या लिखें सर? ओम लिखें, तो आप कहेंगे सर ये वन बटा ओम हो जाएगा। मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ओम इनवर्स पढ़ते हैं। और ओम इनवर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी ध्यान में रखिएगा, ओम इनवर्स को ही हम लोग महो कहते हैं। और चालकता का जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? सीमेंस कहते हैं। तो ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर होता है। अभी जस्ट हमने आपको बताया है, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आर इक्वल टू वी बटा आई, तो ये वी वोल्ट और आई एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर क्या होगा? आप कहेंगे सर जी ये प्रतिरोध का हो जाएगा। धारा का ऐसा यूनिट अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे गुरुजी एम्पियर। क्या है ये? आप सभी ध्यान में रखिएगा, आधारी राशि, यानी कि ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती है सर, फंडामेंटल क्वांटिटी है। साथ ही मेरे मित्र छोटा यूनिट की बात करेंगे तो क्या कहिएगा? आप कहेंगे सर छोटा यूनिट में हम मिली एम्पियर लिखेंगे। आवेश क्या कहिएगा आप कि सर जी आवेश का जो ऐसा यूनिट होगा वो कूलम्ब होगा। कार्ज अभी जस्ट आप सबों ने देखा है, बताने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, आवर्धन की इकाई क्या है। अब मैंने क्या बताया कि सर फॉर्मूला मालूम है भौतिक राशि का, हम यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा आवर्धन की अगर हम लोग बात करते तो क्या कहते हो? आप कहते हो सर ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। आवर्धन जो है वो आपका क्या है?
तो आप सभी कहते हो कि गुरुजी इट इज द एच आई बटा एच ओ, जहां पे एच आई क्या है? आप कहते हो सर जी ये हाइट ऑफ इमेज है। क्या है? हाइट ऑफ इमेज। और एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई भौतिक राशि दो समान राशि का अनुपात है, अगर कोई भौतिक राशि दो समान राशि का अनुपात है तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई भी मीटर में होगी, वस्तु की ऊंचाई भी मीटर में होगी, या तो फिर सेंटीमीटर में होगी। मीटर ऊपर मीटर नीचे कट जाएगा, सेंटीमीटर ऊपर सेंटीमीटर नीचे कट जाएगा। क्या कहोगे कि सर आवर्धन की कोई इकाई नहीं होगी, यानी कि मैग्निफिकेशन हैज अ नो यूनिट। आपके मन में आएगा कि गुरुजी डायोप्टर क्या है? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे कि लेंस की क्षमता या शक्ति, लेंस की क्षमता या शक्ति का यूनिट, लेंस की क्षमता या शक्ति का यूनिट, तो आप सभी कहेंगे डायोप्टर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। किससे? डी से। चला जी याद रखिएगा कि जो लेंस की क्षमता होती है वो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और मेरे मित्र लेंस की क्षमता का यूनिट हम लोग एसआई यूनिट डायोप्टर तब कहते हैं, एसआई यूनिट डायोप्टर तब कहते हैं जब लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या हो? सर मीटर में हो। तो स्टार मार्क दे करके याद रख लीजिएगा कि लेंस की फोकस दूरी जब मीटर हो तब उसकी क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। तब उसकी क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चिल्ला, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि अगर आपको कहीं पे यह सवाल दे दिया जाए कि किसी लेंस की फोकस दूरी फलाना सेंटीमीटर है और इसका ऐसा यूनिट होगा और ऐसा यूनिट में वहां पर डायोप्टर दिया हुआ रहे और भी अदर चीज दिया हुआ रहे, आप उसको टिक कर दे। नहीं, जब तक लेंस की फोकस दूरी मीटर में नहीं होगा तब तक हम लोग उसकी क्षमता का ऐसा यूनिट डायोप्टर नहीं कहेंगे। बाद बाकी न्यूटन आप सभी कहिएगा गुरुजी बल का ऐसा यूनिट है। कोई दिक्कत आ रही है क्या चला? कोई दिक्कत आ रही है चला जी? अगर चीजों को समझ रहे हैं तो आप अपने सपोर्ट के रूप में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि विद्युत शक्ति पूछे, ऐसे शक्ति पूछे, हर किसी का ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग? आप सभी कहेंगे सर वाट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वाट लिखेंगे। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यहां पे न्यूटन आप कहेंगे बल के लिए हो जाएगा, जूल कार्य या ऊर्जा के लिए, और ये कैलोरी आप कहेंगे सर अगर हम लोग हीट एनर्जी के सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो कैलोरी कहेंगे। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या है? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में हमारा मीटर दिया हुआ और दूसरे ऑप्शन में डायोप्टर दिया हुआ, और आपने जस्ट अभी बताया है कि अगर लेंस की क्षमता के ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? सर डायोप्टर होगा, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। और जूल तो आप सभी समझ रहे हैं, न्यूटन आप सभी समझ रहे हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि फोकस दूरी की ऐसा इकाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी मान लीजिए कि यह आपका कोई दर्पण है और इसका यह ध्रुव है और ये इसका फोकस पॉइंट है और ये इसका वक्रता केंद्र है, तो P से F तक की दूरी क्या कहलाएगी? आप कहेंगे सर फोकस दूरी। है क्या सर? ये एक तरह से लेंथ ही है। तो हम लोग फोकस दूरी को या तो मीटर में मेजर करते हैं या फिर सेंटीमीटर में। SI पूछेगा तो मीटर, CGS पूछेगा चला तो सेंटीमीटर। अगर FPS पूछ दे तो आप कहिएगा सर फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में हम लोग लंबाई को फुट में मापते हैं। तो चला जी फोकस दूरी का ऐसा यूनिट क्या है? आप सभी कहेंगे मीटर है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश है, कैलोरी, जूल, वाट, किलोवाट घंटा। याद रखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की, और विद्युत क्या है हमारा? तो सर कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। विद्युत आप यूज करते हो तो उसका चार्ज पे करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिजली बिल के रूप में आता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक यूनिट की, यानी कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की, तो हम सभी क्या कहेंगे? सर किलोवाट घंटा, KWH। याद रखिएगा कि यह KWH किसके द्वारा निर्धारित किया गया? सर BOT के अनुसार। किसके अनुसार? BOT के अनुसार। BOT क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। याद रखेंगे कि 1 KWH को ही क्या कहा जाता है? सर एक यूनिट। जो आप कहते हो कि हमारे घर में प्रत्येक महीना 40 यूनिट बिजली बिल उठता है, तो मेरे मित्र जो आपके घर में 40 यूनिट बिजली बिल उठ रहा है एक्चुअली में वो क्या है? 40 KWH।
और आप जानना चाह रहे हो कि 40 यूनिट में कितना जूल ऊर्जा आप खपत कर रहे हो। आप कहेंगे गुरुजी कैसे जानेंगे, मेरे मित्र आसानी से जान जाएंगे। जब 1 kWh इक्वल टू 1 यूनिट होता है तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि 1 kWh क्या होता है, 3.6 × 10⁶ जूल चेलासी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर एक यूनिट में 3.6 × 10⁶ जूल ऊर्जा हुआ, बिल्कुल हुआ। और कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से एक यूनिट ऊर्जा का मान जूल में होगा, तो आप क्या कहेंगे, 3.6 × 10⁶ जूल। आप अपने घर में कितना उठा रहे हो बिजली बिल, 40 यूनिट, कितना जूल हुआ चला, आप कहेंगे 40 × 3.6 × 10⁶। ध्यान देंगे, आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सर विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, तो यहां पे कैलोरी दे दिया गया है। क्या कहेंगे सर, उसमें ऊर्जा से कनेक्ट करेंगे, जूल वाट नहीं होगा, क्या होगा, किलोवाट घंटा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सर KWH। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक SI मात्रक नहीं है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे अभी जस्ट कैलोरी के बारे में हमने क्या चर्चा करा कि सर ये CGS यूनिट है, क्या है ये CGS यूनिट है, और SI मात्रक नहीं है पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर CGS यूनिट फक दबर कैलोरिया दिख गया, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाद बाकी एम्पियर की बात कर लो, न्यूटन की बात कर लो, ओम की बात कर लो, ये सब क्या है सर, SI यूनिट है। क्या है सर, SI यूनिट है। ध्यान में रखेंगे कि SI मात्रक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सर सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ डी यूनिट्स। क्या होता है सर, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ डी यूनिट्स। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग SI सिस्टम के एक्सेप्टेशन की बात करते हैं कि सर ये कब से स्वीकृत की गई, तो मेरे मित्र 1960 में। हाँ, बहुत सारे मित्र के मन में आएगा गुरुजी ये तो 1971 बोला जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि 1960 में इसको एक्सेप्ट किया गया, और बाद बाकी जो भौतिक राशि के सिंबल थे उसको मतलब उसको जो है पूरी तरीके से लोगों के बीच में कब बताया गया, तो सर हम लोग 1971 की बात करते हैं। ये भरम मत रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूटन और ओम क्या होगा, आप सभी समझ रहे हैं। साथ ही बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा हो कि गुरुजी SI यूनिट कभी आ जाता है, कभी CGS यूनिट, तो ध्यान में रखेंगे कि अगर हम मात्रकों की पद्धति की बात करेंगे ना चेला, किसकी बात करेंगे, मात्रकों की पद्धति की, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, तो ये हमारे पास चार हैं। पहला FPS सिस्टम, दूसरा हमारा CGS, और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है सर हमारा MKS, और चौथा क्या है हमारा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे चौथा जो है हमारा वो SI। ठीक है, FPS में लेंथ हमारा किस में मापा जाएगा, फुट, जो मास है वो किस में मापा जाएगा सर, पाउंड में, और सर मात्रकों के प्रत्येक पद्धति में टाइम का यूनिट समान होता है। यहां पे भी समय का मात्रक सेकंड है, और यहां पे जो हमारा मास होगा CGS यूनिट में, सॉरी जो लेंथ होगा सेंटीमीटर, मास जो होगा वो किस में होगा सर, ग्राम में, और टाइम तो यहां भी सर सेकंड ही होगा। MKS में लेंथ सर हमारा मीटर, और जो हमारा मास है वो किस में आएगा, केजी में, और सर इसमें टाइम आप कहेंगे समान, और MKS का ही संशोधित रूप क्या है सर, SI सिस्टम है। तो आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि CGS का संशोधित रूप MKS है, और MKS का संशोधित रूप SI है। चला जी, जो CGS सिस्टम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, फ्रेंच या मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है, याद रखिएगा। जैसे ही हम रेडियोधर्मिता की बात करेंगे तो हमारा माइंड किसको पूछेगा, रेडियो एक्टिविटी को पूछेगा, क्या होता है सर। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम तरीके से कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो विखंडित होकर के सर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं, और इस अदृश्य किरणों के बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड साहब ने बताया कि ये किरणें अल्फा बीटा और गामा रे है। तो वैसे तत्व जो मतलब विखंडित होने पे कुछ अदृश्य किरणें मतलब कि अल्फा बीटा और गामा जैसे रे का उत्पादन करता है, रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियोधर्मिता कहलाती है। चूंकि मेरे मित्र रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वो बेकुरल साहब के द्वारा किया गया, इसीलिए हम लोग रेडियोधर्मिता की SI यूनिट क्या लिखेंगे सर, बेकुरल लिखेंगे। लेकिन क्यूरी की भी योगदान है सर, तो इसको नकार नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल ये करा जाए कि रेडियोधर्मिता की ओल्डर यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी यानी कि जो आपका रेडियो एक्टिविटी का पुराना मात्रक है वो क्या है, तब आप कहेंगे क्यूरी। और मेरे मित्र अगर आपसे ये सवाल करा जाए कि रेडियोधर्मिता का अन्य मात्रक
रेडियो धर्मिता का अन्य मात्र, तो याद रखिएगा सर, रदरफोर्ड को भी रेडियो धर्मिता के अदर यूनिट्स के रूप में देखा जाता है। आप कहेंगे सर फैराडे, तो याद रखिएगा अगर हम बात करेंगे कैपेसिटेंस यानी कि धारिता की, तो सर धारिता का जो यूनिट होगा, धारिता का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर फैराडे होगा। क्या होगा? फैराडे होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है, कैंडेला होता है, आवेग, वेग, बल, ज्योति, तीव्रता। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि अगर हम लोग आधारी राशि की बात करते हैं तो आधारी राशि आपके पास कितने हैं सर, 7। कौन कौन से? तो सर लेंथ है, फिर क्या है मास है, फिर क्या है टाइम है, फिर क्या है करेंट है, फिर क्या है आप कहेंगे गुरुजी टेम्परेचर है, फिर क्या है, तो आप सभी कहिएगा कि सर लुमिनियस इंटेंसिटी है, लुमिनियस इंटेंसिटी है, लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, ज्योति तीव्रता कहते हैं। और उसके बाद क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा। तो लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट केजी, टाइम का यूनिट सर सेकेंड, और करेंट का यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, लुमिनियस इंटेंसिटी सर कैंडेला, जिसको हम लोग सीडी पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, मोल होगा। तो सवाल करा जा रहा है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, आप कहेंगे ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, जबकि वेलोसिटी क्या है, आप कहिएगा सर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मीटर बटा सेकंड। आवेग क्या है, तो सर एफ इंटू टी, मेरे मित्र न्यूटन, न्यूटन गुना सेकंड आवेग का यूनिट हो जाएगा। और बल तो आप सबों को मालूम है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही सरल सा सवाल, एसआई पद्धति में संवेग का यूनिट, मेरे मित्र संवेग को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, वी नो दैट द यूनिट ऑफ मास इज सर केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड क्या होगा सर, संवेग की एसआई यूनिट हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, केजी मीटर पर सेकेंड सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा एसआई पद्धति में पूछा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। सीजीएस लगा देता तो क्या कहते कि गुरुजी, सॉरी सीजीएस लगा देता तो हमको यहां पर ग्राम और मीटर, ग्राम सीधे लिखिए लीजिए ना, हम जो बताना चाह रहे थे वो नहीं है चला, हमको लगा कि यहां पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये के पे ध्यान नहीं पड़ा था। तो सीजीएस यूनिट अगर पूछा जाए पी का सीजीएस यूनिट, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, क्या कहिएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग, आप कहेंगे सर दूरी मापने के लिए किया जाता है, किसके मापने के लिए, दूरी, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक साल में जितनी दूरी तय की जाती है वही क्या कहलाती है सर, प्रकाश वर्ष। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, याद रखिएगा 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर, 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर। अगला है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। सिंपल आपसे यह कहा जा रहा है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब कार्य जो है चिला वो W=FS के बराबर है, बिल्कुल है। मेरे मित्र ध्यान दो कि अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये एस तो विस्थापन का काम कर रहा है, तो ये न्यूटन मीटर हो जाएगा, तो कार्य का एक यूनिट चला क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। अब दूसरे यूनिट की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो आप कहेंगे सर एसआई यूनिट यही न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहिएगा सर जी जूल कहते हैं। अब भाई मेरे यहां पे ध्यान दो कि चूंकि F W इक्वल टू आप FS कह रहे हो, तो यहां पे जो F है उसके लिए आप फॉर्मूला ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या सर, F के जगह M है, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, और गुना S, बिल्कुल। मेरे मित्र मास का यूनिट क्या होगा, kg, और एक्सेलरेशन मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, गुना ये क्या है सर, आप कहेंगे सर जी विस्थापन है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर, तो भाई मेरे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, तो यही कार्य का यूनिट हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या है इतने सारे यूनिट में कहीं पे भी, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं।
जबकि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कार्ज का यूनिट है, न्यूटन मीटर सर कार्ज का यूनिट है, जूल सर कार्ज का यूनिट है, तो सही आंसर चला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। अभी जस्ट हमने बताया है आपको कि रेडियो एक्टिविटी का पुराना मात्रा क्या था, अगर आपने पढ़ा है तो सर इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके आप जरूर बताओ। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया कि पुराना मात्रक, तो पुराना कोई चीज जो होगा वही परंपरागत होगा। आप कहेंगे सर आपने बताया है पुराना मात्रक क्यूरी है और रेडियोधर्मिता की पारंपरिक इकाई भी क्या होती है? सर जी क्यूरी होती है। वाट और एम्पियर सभी समझ रहे हैं, सर पास्कल नया दिख रहा है, कोई बात नहीं है चला। दाब, दाब क्या होगा? आप कहोगे सर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, तो न्यूटन और क्षेत्रफल के यूनिट मीटर स्क्वायर। तो याद रखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है? पास्कल। और याद रखिएगा एक पास्कल इक्वल टू क्या होता है? वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक पास्कल इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला सवाल देख लीजिए, 18, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। याद रखिएगा ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, एक सवाल ऐसे पूछा गया। दूसरा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ऐसे पूछा जा सकता है। तीसरा ध्वनि मापने की एकक है, ऐसे पूछा जा सकता है। फिर चौथा भी आपका पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की तीव्रता को मापता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ध्वनि की तीव्रता को मापने का या ध्वनि का यूनिट सब क्या है सर? तो सर डेसिबल है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डीबी से। तो जहां पे भी ध्वनि मापने का यूनिट पूछा जाए, ध्वनि प्रदूषण की बात की जाए, उन सभी जगह पे आप क्या कहेंगे कि गुरु जी डेसिबल। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरु जी आपने ऐसा क्यों बताया? मेरे मित्र आप सभी ध्वनि प्रदूषण की बात करते हो तो सीधा कहते हो कि सर जो आवाज हमारे कानों को अच्छा नहीं लगेगा वो हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण है। तो मेरे मित्र किसी भी आवाज की जो तीव्रता होगी वो कैसे मापोगे? आप कहेंगे सर डेसिबल से मापेंगे। तो ध्वनि का अपना एक लक्षण होता है और वो क्या है सर? तो हम लोग कहते हैं सर इंटेंसिटी की जब अगर बात करते हैं तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये या तो तीक्ष्ण हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? तो आप कहेंगे सर मध्यम हो सकती है या स्लो हो सकती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम कभी भी बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता की मात्रक की, तो अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि ध्वनि की तीव्रता का एसआई यूनिट क्या है, तब आपको जवाब चला, तब आपको जवाब डेसिबल नहीं देना है, तब आपको जवाब डेसिबल नहीं देना है। ध्वनि की तीव्रता का एसआई यूनिट क्या होगा? आप सभी याद रखना माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होगा। याद रखिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे ध्वनि की तीव्रता के प्रयोगात्मक मात्रक की, किसकी बात करेंगे? ध्वनि की तीव्रता के प्रयोगात्मक मात्रक की, प्रयोगात्मक मात्रक की, तो क्या कहेंगे? चला बेल कहेंगे। और बेल का दसवां भाग, बेल का दसवां भाग क्या कहलाता है? आप सभी ध्यान में रखना बेल का दसवां भाग डेसिबल कहलाता है। बेल का दसवां भाग क्या कहलाता है? डेसिबल कहलाता है। हर्ज आप सभी ध्यान में रखिएगा कि आवृत्ति की अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करेंगे, आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? हर्ज हो जाएगा। और आवृत्ति का पुराना मात्रक पुराना यूनिट तो याद रखना कंपन पर सेकेंड, कंपन पर सेकेंड। अगला देख लो चिला, क्वेश्चन नंबर 19, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई है। प्रतिबल क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि प्रतिबल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबल को इंग्लिश में हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिबल। तो सर ये हम कह सकते हैं कि एक तरह का दबाव हो गया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। तो मेरे मित्र इसको हम एफ बटा ए कहते हैं। और याद रखिएगा कि फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिबल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सर कोई यूनिट होगा? कैसे यूनिट होगा चला? केजी दिया हुआ है एमकेएस में या एसआई में, सेंटीमीटर सर सीजीएस में, तो गलत हो जाएगा। अब एन आप कहेंगे सर न्यूटन बल के लिए होगा और वाट सर शक्ति के लिए होगा। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि यहां पे प्रतिबल कह दिया तो आपने कह दिया सर एफ बटा ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, और यूनिट हो जाए, यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चला अगर स्ट्रेन बोल देता,
अगर अगर स्ट्रेन बोल देता, मतलब बोले तो विकृति, तब आप क्या कहते? आप कहते सर विकृति की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर विकृति एल बटा एल है। ये क्या है सर? लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि। और ये क्या है सर जी? मूल लंबाई, मूल लंबाई। तो मेरे मित्र दोनों ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई दो सेम राशि का अनुपात है, कोई यूनिट होगा क्या? आप कहेंगे नहीं। तो विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, विकृति की कोई यूनिट नहीं होती है चला। ये चीजें आप सभी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? क्या कहेंगे? सर घनत्व की बात की जा रही है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहिएगा मास बटा वॉल्यूम होता है सर। तो मास का बताइए चला जी यूनिट, केजी, और वॉल्यूम तो आप कहेंगे सर मीटर क्यूब। तो जो डेंसिटी है इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। सापेक्षिक घनत्व क्या कहोगे कि गुरु जी ये तो हो जाएगा पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बता क्या हो जाएगा? जल का घनत्व। देखो ना ऊपरो घनत्व तो नीचे घनत्व, क्या कहेंगे कि सर दोनों जगह केजी पर मीटर क्यूब आएगा, कट के जीरो, मतलब सर सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विस्थापन आप कहेंगे जरूर होती है सर, मीटर होती है। दाब आप कहिएगा गुरु जी पास्कल होती है इसका साइन यूनिट। मेरे मित्र आज के इस सेशन में टोटल हम 20 क्वेश्चन ही रखेंगे और मुझे उम्मीद है ये जो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला क्लास था इसमें आपने भौतिक राशि के जो मात्रक है उसको याद नहीं करा है, उसको क्या करा है सर? उसको समझा है, उसको इलोबरेट करा है। और मेरे ख्याल से जो आज आपने चीजें पढ़ी है सर वो चीजें आपके माइंड में लंबे समय तक सेट रहेगी। बस एक चीज कीजिएगा क्या? तो सर जो आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पे सर उस पीडीएफ को आप संभाल के रखिएगा, एग्जाम के टाइम में ये आपके लिए रामबाण हो जाएगा। तो मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।